Hello friends, welcome to another new session of Smita Classes. Today we will be dealing with the 10th chapter of SST book of standard 5. The name of the book is Social Studies Success and the name of the 10th chapter is The World of Growing Numbers. No, the name is The World of Growing Knowledge, not Numbers. The World of Growing Knowledge. We will start reading the chapter. Early human beings learned about things around them by observation and experimentation. They could not remember everything, so they felt a need to develop a method of recording their knowledge which could easily be passed to the next generation. Thus began the art of drawing, painting and writing. Early jo human beings the, sabse shuru ke jo human beings the, purane samay ke, वो लोग अपने आसपास की चीज़ें बहुत सारी चीज़ देखते थे और ऑब्जर्व करते थे, एक्सपेरिमेंटेशन करते थे. जैसे वो देखते थे कि हाँ, चेंज ऑफ सीजन्स हर साल हो रहा है, बारिश हो रही है, फिर गर्मी हो रही है, फिर ठंड आ रही है, तो वो लोग वो ऑब्ज़र्व करते थे और समझ जाते थे कि हाँ, ये रोटेशन वाइज ऐसा होता रहेगा. फिर एक्सपेरिमेंटेशन भी करते थे वो लोग पत्ते को पानी में डाल के देखते थे कि वही पत्ता फ्लोट कर रहा है कि डूब जा रहा है. पत्थर को डाल के देखते थे, ऐसे तरह तरह से वो एक्सपेरिमेंटेशन भी करते थे. इस तरह वो बहुत सारा कंक्लूजन भी ड्रॉ करते थे. अच्छा, ये ऐसा चीज़ है, ये वैसा चीज़ है, ऐसे करके वो इतनी सारी चीज़ें थी नेचर में ऑब्जर्व करने के लिए. वो ढेर सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते थे पर वो फिर भूलने लगते थे, है ना. कोई भी भूल जाएगा ना, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो दो पेज तीन पेज तक याद होता है, फिर फोर्थ पेज ऐसे रीड करते करते फिर हम लोग थोड़ा भूलने लगते हैं. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं समझ समझ के. जब नोट्स बनाते हैं तो याद रहने लगता है. सो उसी तरह अर्ली मैन को भी ये फील हुआ कि नहीं, कहीं ये चीज़ें रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए, लिख के रखनी चाहिए, ताकि जो है कोई ऐसा मेथड वो डेवलप करना चाह रहे थे, ताकि वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कंक्लूजन ला रहे हैं, उसको वो कहीं रिकॉर्ड करके रख सके. ठीक है, और रिकॉर्ड करके इसलिए रखना चाह रहे थे ताकि उनकी जो नई पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनके बच्चे उनको वो इन्फॉर्मेशन वो दे सके. क्या होगा, नहीं तो फिर से नई पीढ़ी को फिर से ऑब्जर्व करना होगा. इसलिए वो उनको वो इन्फॉर्मेशन दे दे तो नई पीढ़ी और नई चीज़ें ऑब्जर्व करेंगी. इसी कारण से कौन सा आर्ट शुरू हुआ, ड्राइंग, पेंटिंग और राइटिंग का. वो लोग उस समय लिखना नहीं जानते थे तो ड्रॉ करने लगे, है ना. जो वो ऑब्जर्व कर रहे उसको ड्रॉ किए, केव्स में ड्रॉ करने लगे, पेंट करने लगे, फ्लावर्स के कलर्स से वो पेंट करने लगे, और धीरे धीरे राइटिंग भी उन्होंने डेवलप की. राइटिंग, अर्ली मैन यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड जेस्चर्स. ग्रेजुअली दे लर्न टू यूज देयर वॉइस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. दे स्टार्टेड ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स वेयर दे लिव्ड. दे मोस्टली ड्रू एनिमल्स. They used burnt pieces of wood to make the pictures. This was the first effort in communication by drawing. Many such pictures have been found in Asia and Europe. Gradually, they began to use symbols for words and sounds. Symbols led to the development of script. The earliest form of script called cuneiform was developed by Sumerians. Wedge-shaped strokes were used as symbols to represent words. The word cuneiform means wedge-shaped. At the same time, the Egyptians used a system of picture writing called hieroglyphics. Such ancient scripts have been found in Egypt and Mesopotamia. China, Korea and Japan still use scripts based on pictorial symbols. Early men the, jo pehle ke manushya the, wo kaise communicate karte the, दूसरों से कैसे बातें करेंगे, तो साइंस और जेस्चर से, है ना. वो साइन कुछ बना के उनको बताते थे, ड्राइंग कुछ बना के, या अपने बॉडी को तरह तरह के मूवमेंट करके, हैंड को मूवमेंट करके उनको समझाते थे अपने फेलो फ्रेंड्स को. धीरे धीरे उन्होंने अपना वॉइस को यूज़ करना सीख लिया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, कि अपने वॉइस की आवाज़ से वो किसी चीज़ को बोलते थे, बार बार उसी चीज़ का उसी नाम को बोलते थे, तो लोग जानने लगे कि ओ वो उस चीज़ के बारे में बोल रहा है. ठीक है, उसके बाद वो और भी कम्युनिकेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो लकड़ियाँ वो जला लेते थे, जलने के बाद वो ब्लैक थोड़ा पड़ जाती थी वो लकड़ी, उस लकड़ी के टुकड़ों से वो उन्होंने केव्स के वॉल्स पे ड्राइंग्स करना शुरू कर दिया, है ना. गुफाओं के दीवारों पे उन्होंने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया, जहाँ वो रहते थे, जिस गुफा में वो रहते थे.
ठीक है। ज़्यादातर वो एनिमल्स के फोटोग्राफ्स बनाते थे क्योंकि अपने आसपास एनिमल्स वो देखते थे, जो जली हुई लकड़ियों के टुकड़ों से वो बनाते थे जो कोयले जैसा ब्लैक ब्लैक लिखा पाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एफर्ट था कम्युनिकेशन का, ड्राइंग बना के दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करे, दूसरे को अपनी बात कैसे समझाए, मैसेज कैसे उसके पास भेजे, तो वह ड्राइंग बना के कम्युनिकेट करते थे। ऐसे बहुत तरह के पिक्चर्स कहाँ मिली है, एशिया में और यूरोप में मिलते हैं। एशिया और यूरोप के गुफाओं में, वॉल्स में हमने देखा है तरह तरह की पेंटिंग इस तरह की मिलती है। धीरे धीरे जो है ये लोग जो है सिंबल्स यूज़ करने लगे फॉर वर्ड्स एंड साउंड्स, ठीक है। उनको जो वर्ड बोलना है, जो जिस चीज़ के बारे में बोलना है उसका एक सिंबल बनाए, मान लीजिए उनको ग्लास के बारे में बोलना है तो ग्लास की फ़ोटो वो बनाने लगे, उसके सिंबल बनाने लगे, ठीक है। और साउंड्स की भी, जैसे ग बोलना है तो ग के लिए उन्होंने एक सिंबल ड्रॉ कर दिया, है ना। ऐसे करके उन्होंने हर एक साउंड के लिए भी एक एक सिंबल ड्रॉ किया ताकि वो बातचीत कर सके। और धीरे धीरे ये सिंबल्स डेवलप होते गए और सिंबल्स डेवलप होकर क्या बन गया, स्क्रिप्ट बन गया, है ना, लिपि बन गई। स्क्रिप्ट क्या होता है, जो बेसिक होता है, जैसे कि हमारे हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट है ना। तो क्या होता है, हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या है कि क ख ग जो बेसिक्स है वो बताया जाता है कि कौन से साउंड का वर्ड कैसे लिखा जाएगा, फिर डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होगा। पहले तो क ख ग अल्फ़ाबेट्स को हम लोग लिखते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है जो हम बोल रहे हैं उस सुनाई कैसा दे रहा है, उसे लिखा कैसे जाता है। फिर डिक्शनरी में वो अल्फ़ाबेट्स की मदद से जो वर्ड्स बने उनकी मीनिंग दी हुई है। तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट है जो बेसिक्स बताता है लैंग्वेज का। तो उसी तरह उन्होंने भी स्क्रिप्ट डेवलप किया। तो सबसे पहला स्क्रिप्ट था वो क्यूनिफॉर्म नाम का था, जिसे सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों ने डेवलप किया। देखिए सिविलाइजेशन क्या होता है, जब अर्ली मैन इधर उधर घूमते रहते थे नोमैड्स के जैसे, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया, आग जलाना सीखा, तो वह नदी के साइड साइड सेटल होने लगे क्योंकि वहाँ पे उनको एग्रीकल्चर करने के लिए पानी आसानी से मिलता था। तो वहाँ साइड्स में वो कॉलोनी बना के वो सेटल होने लगे। तो जब सेटल होके बहुत सारे लोग वहाँ हो गए तो वो एक सिविलाइजेशन बन गया और धीरे धीरे वो डेवलप होते गए, ठीक है। तो हर एक सिविलाइजेशन का अलग अलग नाम है, तो वैसे ही एक सिविलाइजेशन था, सुमेरियन सिविलाइजेशन था। उन्होंने जो स्क्रिप्ट अपना डेवलप किया वो था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में क्या होता था, वेज शेप्ड स्ट्रोक्स वर यूज्ड एज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वर्ड्स। वेज शेप्ड क्या होता है, कोई एक जो है मान लीजिए एक नोखीली सी चीज़ होगी और ऊपर वह बहुत ब्रॉड होगा और नीचे आते आते वह नैरो हो जाएगा और पॉइंटेड हो जाएगा, उसे वेज शेप कहेंगे, ठीक है। ऊपर वो ब्रॉड रहेगा और वी शेप का नीचे आएगा और पॉइंटेड हो जाएगा, वो वेज शेप कहलाता है। तो लोग वेज शेप ही तरह तरीके से बनाते थे और उसका स्ट्रोक्स बनाते थे, मतलब उसके थोड़ी थोड़ी वेज शेप जैसे ड्राइंग बना देते थे और उसी को अलग अलग तरीके से बनाते थे, उससे वह सिंबल्स बनाते थे। वेज शेप एक टेढ़ा करके बनाया, एक सीधा करके बनाया, एक उल्टा करके बनाया, ऐसे करके वो लोग अलग अलग सिंबल्स बनाते गए अलग अलग साउंड्स के लिए, अलग अलग वर्ड्स के लिए। क्यूनिफॉर्म जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है वेज शेप, है ना, वेज शेप उसका मतलब होता है। उसी समय जो है, ये तो हमने सुमेरियंस के बारे में पढ़ा, उसी तरह इजिप्ट के लोग जो थे, है ना, इजिप्शियन लोग जो थे उन्होंने भी एक पिक्चर राइटिंग का एक सिस्टम डेवलप किया जिसको वो क्या कहते थे, हायरोग्लाइफिक्स कहते थे। जो पिक्चर राइटिंग का उन्होंने सिस्टम डेवलप किया, पिक्चर्स के थ्रू वह बातें करते थे, पिक्चर्स बना बना के, ठीक है। और वो बताने लगे कि अगर मैंने डियर देखा है तो डियर सिंबल के थ्रू एक बना दिया उन्होंने, वेज शेप का सिंबल बना दिया। इजिप्शियन लोग नहीं, कोई सुमेरियन, उन्होंने वेज शेप का एक सिंबल बना दिया, बोला ये डियर को रिप्रेजेंट करेगा, इस एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे कर करते करते वो स्क्रिप्ट डेवलप करते थे। अभी भी उस तरह की पुरानी स्क्रिप्ट जो है, एंशंट स्क्रिप्ट, जहाँ पिक्चर से एक एक अल्फ़ाबेट और एक एक वर्ड को डिनोट किया जाता है, काफ़ी मुश्किल होगी ना, एक एक वर्ड अगर आपको याद करना है तो आपको एक एक पिक्चर याद करना पड़ेगा। तो अभी भी वह उतनी पुरानी स्क्रिप्ट किसी किसी कंट्रीज़ में अभी भी यूज़ हो रही है। कहाँ पर, इजिप्ट और मेसोपोटामिया में तो ऐसी स्क्रिप्ट्स मिली है खुदाई करने पर, एक गुफाओं की दीवार में मिली है, पर चाइना, कोरिया और जापान में अभी भी वही स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं पिक्टोरियल सिंबल्स पे, पिक्चर्स के सिंबल्स के हिसाब से वो लोग स्क्रिप्ट को अभी भी
यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं हायरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट बना हुआ है एंशंट इजिप्ट का, कितनी तरह तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई हैं जो कि हमें तो फ़िलहाल कुछ भी समझ में नहीं आएगा वह। अब आगे पढ़ते हैं। सिंबल्स स्लोली गेव बर्थ टू लेटर्स इन इंडिया। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्सपर्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू रीड इट। सच सील्स कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ डेली। ब्राह्मी स्क्रिप्ट केम आफ्टर दिस स्क्रिप्ट। मेनी इंडियन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन दिस स्क्रिप्ट। और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इज बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट इन विच द लेटर्स आर बेस्ड ऑन साउंड्स एंड नॉट ऑन पिक्चर्स। दिस स्क्रिप्ट इज ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। वी ऑल्सो यूज उर्दू अरेबिक एंड पर्शियन स्क्रिप्ट इन आवर कंट्री। सम ऑफ द स्क्रिप्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, अब जो है सिम्बल्स धीरे धीरे जो है सिंबल्स बनाते बनाते उन्होंने लेटर्स भी डेवलप किया। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को उन्होंने डेवलप किया। इंडिया में सबसे पुराना जो राइटिंग का एग्ज़ाम्पल मिलता है हम लोग को, जो अवशेष मिलता है, पुरानी चीज़ें मिलती हैं जिसमें राइटिंग लो पुराने अर्ली मैन ने किया था, वो कहाँ पे मिलता है? इंडिया में भी एक सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस नदी के साइड में। तो वहीं पे वो लोग मिट्टी के बड़े बड़े टैबलेट जैसे बनाते थे, मिट्टी का रेक्टेंगुलर पीस बनाते थे जिसको वो टैबलेट्स कहते थे या सील्स कहते थे। वो उनको उसी सील्स के ऊपर उन्होंने लिखा है कुछ कुछ, जो कि आज भी जो है हम साइंटिस्ट और जो भी खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं वो लोग अभी आज भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो उसको पूरी तरह से वह पढ़ पाने में उनके लिए मुश्किल हो रही है, वो लोग आज भी उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो सील्स जो है वो मिट्टी के बड़े बड़े रेक्टेंगुलर पीसेस अभी भी मिलते हैं जिनमें लिखा हुआ रहता है, फ़ोटो बना हुआ रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हमारे कंट्री में एक्सपर्ट्स लोग अभी भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्क्रिप्ट आप कहाँ देख सकते हैं? आप जब दिल्ली जाएंगे, वहाँ नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली है, वहाँ पर वो स्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद हमारे कंट्री में क्या आया? ब्राह्मी स्क्रिप्ट आया। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था वह बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारा बेस्ड था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। और यही ब्राह्मी स्क्रिप्ट से नए नए इंडियन लैंग्वेजेस बन बन के बाहर आए, तरह तरह के साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी, हिंदी लैंग्वेज भी, सब कुछ ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही धीरे धीरे बाहर आया। ठीक है, हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग जानते हैं हिंदी है, हिंदी साथ ही हमारी मातृभाषा भी है ना, हमारे देश का की मातृभाषा भी हिंदी है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है। हिंदी का स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो भी वही ब्राह्मी स्क्रिप्ट से बन बन के बाहर निकल आया है। ठीक है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, साउंड्स के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स बनाए गए हैं, हाँ पिक्चर्स के हिसाब से नहीं। जैसा हम लोग को साउंड हम लोग बोल रहे हैं क, तो वो क जैसा लिखा गया है, साउंड्स के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स बनाए गए हैं। इसी तरह हमारे कंट्री में और भी कुछ स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं, क्या क्या? उर्दू अरेबिक और पर्शियन स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं हमारे कंट्री में भी। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं वहाँ पे नीचे एंशंट ग्रीक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ना, उसमें आप देखेंगे ए बी तो हम लोग के ही जैसा है, उसके बाद बाकी चेंजेस है ना, और उसमें मैथ्स के सिंबल भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं एंशंट ग्रीक अल्फ़ाबेट में। देवनागरी स्क्रिप्ट तो आप आराम से पढ़ पा रहे होंगे, अ आ हर्सो ई दीर्घ ई ऊ री ए ये सब लिखा हुआ है, वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। फिर उसके नीचे अरेबिक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। अरेबिक अल्फ़ाबेट का एक खास चीज़ क्या है, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखते हैं। बाकी सब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ना, अरेबिक अल्फ़ाबेट में राइट से लेफ्ट की तरफ वह लिखते हैं। ठीक है, जैसा उर्दू में भी वैसे लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। हमने अभी राइटिंग के बारे में पढ़ा, अब हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली मैन यूज टू हंट एनिमल्स, ही नीडेड टू आइडेंटिफाई देम एंड काउंट देयर नंबर्स। ही यूज्ड अ सिस्टम ऑफ ड्रॉइंग एंड लेटर ऑन हिज 10 फिंगर्स टू काउंट फ्रॉम 1 to 10। इवन टूडे दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग ऑन फिंगर्स इज पॉपुलर। दिस मेथड ऑफ काउंटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया एंड लेटर ऑन अडॉप्टेड बाई अरब्स, रोमन्स एंड अदर यूरोपियंस। द रोमन्स यूज 7 लेटर्स टू राइट नंबर्स, दीज वर एम डी सी एल एक्स वी एंड आई। दिस सिस्टम इज टॉट इन द स्कूल्स इवन नाउ। सुमेरियंस यूज स्पेशल शेप्स बट दे काउंटेड इन 60s।
The number system that we use today is the Hindu-Arabic system. This system of numbers is used all over the world. Ancient Indian scholar Aryabhatta invented zero, which made the counting possible and most difficult calculations easy. The Arabs took this system of numbers from 0 to 9 to Europe. We should be proud of contributions made by our country. ठीक है, अब numbers के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो अर्ली मैन क्या करते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे. हाँ, तो वो जानना चाहते थे कि हाँ कितने जानवर उन्होंने देखे हैं, उनको पहचानना चाहते थे और काउंट भी करना चाहते थे कि हमने कितने नंबर जानवर देखे हैं, कल कितने देखे थे, आज कितने देखे, और उनको पहचानना भी चाहते थे. हाँ, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ड्राइंग का सिस्टम डेवलप किया. और ड्राइंग का सिस्टम तो उन्होंने डेवलप कर लिया जानवरों को पहचानने के लिए, और उनको काउंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हाथ के जो 10 fingers है, 10 उंगलियाँ हैं, उनको उन्होंने यूज़ किया 1 से लेकर 10 तक काउंट करने के लिए. आज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अपने फिंगर्स में काउंट करके करते हैं ना, आज भी ये पॉपुलर है ये सिस्टम ऑफ काउंटिंग. ये मेथड ऑफ काउंटिंग इंडिया में डेवलप हुआ था और बाद में इंडिया से इसे किसने लिया, अरब्स ने लिया, रोमन्स ने लिया, यूरोपियंस में भी लिया ये काउंटिंग सिस्टम को. ठीक है, अब रोमन लेटर्स आप लोग मैथ्स में पढ़े हैं ना, तो रोमन लेटर्स क्या करते हैं, लोग 7 तरह के लेटर्स के मदद से नंबर्स को लिखते हैं, है ना. जैसे कि अगर हम लोग को 6 लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, वी और आई लिखते हैं, कैपिटल वी और कैपिटल आई लिखेंगे तो 6 लिखा जाएगा. इसी तरह 9 लिखना है तो कैपिटल आई और कैपिटल एक्स लिखेंगे तो 9 लिखाएगा. तो रोमन लेटर्स में भी वो लोग जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके उससे नंबर्स लिखते हैं. ऐसे 7 अल्फ़ाबेट हैं, वो क्या है, कैपिटल एम है, कैपिटल डी है, कैपिटल सी है, कैपिटल एल, कैपिटल एक्स, कैपिटल वी और कैपिटल आई. इसमें क्या होता है, सी जो है वो 100 होता है ना, और एल क्या होता है, 50 होता है, एक्स क्या होता है, 10 होता है, वी मतलब 5 होता है, आई मतलब 1 होता है ना. ऐसे करके वो लोग लिखते हैं. ये सिस्टम को अभी भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है. हाँ, नेचुरली हम लोग अभी जो है रोमन लेटर्स हम लोग मैथ्स में एक चैप्टर होता है, हम लोग अभी भी स्कूल्स में वह पढ़ते हैं. सुमेरियंस जो है, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग स्पेशल शेप्स वो लोग भी यूज़ करते थे नंबरिंग करने के लिए, बट दे काउंटेड इन 60s. मतलब वो लोग जैसे 60 बोलते थे, फिर 120 बोलते थे, है ना, उसका डबल, फिर कितना बोलेंगे, 180 बोलते थे, इस तरह से वो लोग काउंट करते थे. आज जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम, उसका नाम है नंबर सिस्टम का, और इस सिस्टम को पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है. एक बहुत ही पुराने इंडिया के विद्वान थे, स्कॉलर थे, जिनका नाम आर्यभट्टा था. उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, जीरो को इन्वेंट किया था, और जीरो के इन्वेंशन के बाद काउंटिंग करना और भी आसान हो गया, और बहुत ही मुश्किल मुश्किल मैथ्स के क्वेश्चंस जो थे, मैथ्स के प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशंस, उनको सॉल्व करना आसान हो गया जीरो को इन्वेंट करने के बाद. फिर अरब्स जो है वो हमारे कंट्री से ये जीरो को लेके गए, 0 से 9 तक की काउंटिंग को, और उसको कहाँ दिया, यूरोप में उन्होंने दिया. ठीक है, यूरोप तक ले गए. तो हम लोग को हमारे कंट्री से जो भी ये मैथ्स के प्रति कंट्रीब्यूशन मिला है, हम लोग को उसके प्रति गर्व अनुभव करना चाहिए. हाँ, वी शुड बी प्राउड ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय आवर कंट्री. आर्ट ऑफ पेंटिंग. फ्रॉम ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, मैन डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग. इट टुक हिम मेनी इयर्स टू परफेक्ट दिस आर्ट. Many books were written by hand using clay tablets and sharp tools. Ancient Indians also wrote on palm leaves and birch barks. A bunch of clay tablets or palm leaves made up a book. The making of one book took a very long time. It was a very slow and laborious process. Very few books were available, and that too in centers of learning. So there was a need to have many copies of a book. China developed the art of printing in the 5th century AD, but it did not prove successful as it was a difficult process. A simpler printing process was developed in Germany by Johann Gutenberg in 1440. He used movable metal types to print. The first book printed by him was the Bible. It was printed on sheep skin. ठीक है, तो गुफाओं के दीवारों पे पेंट करने से लेके
मनुष्य ने क्या डेवलप किया, आर्ट ऑफ राइटिंग। हाँ, लिखने की कला भी उसने डेवलप कर ली कि किस तरह वो बुक्स लिख सके। जब वो लैंग्वेज डेवलप कर लिया तो लिखने की कला भी उसने डेवलप कर ली। और इसको पूरा डेवलप करने के लिए उसको बहुत ईयर्स लगे मनुष्य को, है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप करने के लिए। इस तरह वो लोग क्या करते थे, पुराने समय के लोग मिट्टी के जो टैबलेट्स बने रहते थे, रेक्टेंगुलर शेप के मिट्टी के टैबलेट्स वो लोग बना के रखते थे, और उसमें जो है उसमें शार्प नोकीली कोई चीज़ से वो उसमें लिखते थे, ठीक है, शार्प टूल्स की मदद से उसमें लिखते थे, फिर उसको ड्राई कर देते थे तो वह लिखा हुआ उसमें रह जाता था। इस तरह वो लोग कोशिश करते थे कि हम लोग बुक्स कुछ लिख सके, ठीक है। इसी तरह पुराने जो इंडियंस लोग थे पुराने समय के, वो लोग पाम पेड़ के पत्तों के ऊपर भी लिखते थे, और एक बर्च पेड़ होता है, बर्च पेड़ के जो ट्रंक की जो बार्क होती है, हाँ, ट्रंक का जो ऊपर का लेयर होता है वो निकाल के लाते थे और उस पर भी लिखते थे, ठीक है। इस तरह वो क्या करते थे, पूरा एक बंच बना लेते थे, एक गुच्छा बना लेते थे, किसका, क्ले टैबलेट्स का या पाम लीव्स को मिला के एक गुच्छा बना लेते थे और उसमें पूरा कंटिन्यूस लिखते जाते थे और वह एक बुक होता था, ठीक है। एक बुक को बनने में काफ़ी समय लगता था और वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता था लिखने का, क्योंकि बहुत मुश्किल से लिखते थे और बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही परिश्रम लगता था, बहुत ही मेहनत होती थी, ठीक है। इसलिए उस समय बहुत ही कम बुक्स मिलते थे जिन्हें लोग पढ़ सके, वो भी कहाँ, लर्निंग सेंटर्स में, है ना, स्कूल जैसे सेंटर होते होंगे जहाँ विद्वान लोग रह बैठते होंगे, बातें करते होंगे, तो वहीं पर वो और सीखते थे नई चीज़ें, तो वही लर्निंग सेंटर्स में वो कुछ बुक्स मिलते थे। इसीलिए ज़रूरी पड़ा कि नहीं, जो भी एक बुक लिखा गया उसकी बहुत सारी कॉपी होनी चाहिए ताकि बहुत लोग उसको पढ़ सके। तो चाइना ने प्रिंटिंग का, जैसे अभी बुक्स प्रिंट होते हैं ना, उसका एक टेक्निक उसने निकाला, कब, 5th century AD में ही उन्होंने निकाल लिया था, ठीक है। पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था वो प्रिंट करना बुक को, ठीक है। फिर एक और सिंपल प्रिंटिंग मशीन किसने बनाया, जोहान गुटेनबर्ग ने जर्मनी में बनाया, कब, 1440 में। आपको पता है उसके पहले जो है जो भी लिखते थे बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखे कि पेपर जैसे किसी चीज़ पे लिखते थे, तो उसको ह्यूमन बींग्स खुद बैठ बैठ के कॉपी करते थे, एक बुक की कॉपी बनाते थे, फिर और एक कॉपी बनाते थे, खुद लिख लिख के स्कॉलर्स सब उसकी कॉपी बनाते थे ताकि बहुत सारे लोग पढ़ सके। तो जब ये प्रिंटिंग मशीन डेवलप हो गया जर्मनी में 1440 में जोहान गुटेनबर्ग ने, तो उसने क्या किया, मेटल्स लगाए उस मशीन में, ठीक है, और वो मेटल इधर उधर हिलते थे जैसे टाइपराइटर में हिलते हैं, और वैसे करके प्रिंट हो जाता था, ठीक है। पहला बुक जो उस प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट किया गया था वो क्या था, वह बाइबल था, बाइबल की बुक को उन्होंने प्रिंट किया था। उस समय पेपर डेवलप नहीं हुआ था, तो उसके इस पे शीप स्किन पे, भेड़ की जो खाल होती है, भेड़ की जो स्किन होती है, उस पर उन्होंने उसको प्रिंट किया था पहली बार। This system made progress with the passage of time. The printing press brought about a revolution in the field of knowledge. Now it was possible to have more books at a low cost. The scientists made letter types in large numbers for each alphabet. These letter types made of lead were used to compose the matter to print books. Ink was applied on the face of these compound letter types and then paper was pressed on them. First it was done by hand and then machines were used to do this work. Today we have very sophisticated printing machines which use computers to publish books, magazines, newspapers, etc. in various colors. Bible is the book which has the maximum printed copies in the whole world. तो जैसे जैसे ये प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो समय के साथ और भी डेवलप होता गया, और प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप हुआ तो पूरा एक क्रांति आ गया नॉलेज के फील्ड में, बुक्स प्रिंट होने लगी और बहुत सारे लोग उस बुक्स को पढ़ने लगे, तो नॉलेज स्प्रेड होने लगा, जो उस बुक में नॉलेज था वो बाकी लोग भी जान पाए उस नॉलेज के बारे में, हाँ, उस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा। आज के समय क्या है, बुक्स हम लोग को कम कीमत पे भी मिल जाती है क्योंकि आसानी से प्रिंट हो जाती है। उस समय क्या करते थे साइंटिस्ट लोग जो है, नहीं उसी समय की बात बोल रहे हैं कि उस समय अब पॉसिबल हो गया कि कम दाम में भी वो बुक प्रिंट कर सके। साइंटिस्ट क्या करते थे, वो लोग मेटल का ब्लॉक्स बनाए थे जिसमें अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता था, ठीक है, और
बहुत सारे ऐसे बना लेते थे वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, और फिर उसको उन अल्फ़ाबेट्स को इंक में डुबो के उनको पेपर पे प्रेस कर देना पड़ता था, ऐसे कर करके वो लिखते जाते थे, ठीक है। और ये जो लेटर्स बनाए थे उन्होंने वो लेड के बने हुए थे, ठीक है। तो इस तरह इंक अब लगाया जाता था उन लेटर्स के ऊपर और उनको पेपर पे प्रेस कर दिया जाता था। इसी तरह वर्ड्स का भी वो लोग डेवलप किए थे, पर फिर भी ये बड़ा ही मुश्किल काम था इसको भी करना। पहले हैंड से किया जाता था, हाथों से लोग खुद करते थे, फिर मशीन में किया जाने लगा। आज के समय में हम लोग के तो बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटिंग मशीन्स आ गए, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही एडवांस प्रिंटिंग मशीन्स आ गए। लोग अपने घरों में भी प्रिंटर रखने लगे, तुरंत कंप्यूटर्स में प्रिंट ऑप्शन दे देंगे और तुरंत प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है। इसके कारण बुक्स बहुत मिलने लगी है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइजेस में, सब में प्रिंट हो जाता है। द स्टोरी ऑफ पेपर इन एंशियंट टाइप्स क्ले टैबलेट्स मेड ऑफ मड वर यूज फॉर राइटिंग। लेटर द बार्क ऑफ बर्च ट्री एंड पाम लीव्स वर यूज फॉर राइटिंग। इजिप्शियंस मेड पेपर फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड पैपिरस। पैपिरस इज द लोकल नेम ऑफ रीड ग्रोइंग इन द डेल्टा ऑफ रिवर नाइल इन इजिप्ट। वर पेपर कम्स फ्रॉम पैपिरस। डिमांड फॉर पेपर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर नॉलेज। साइंटिस्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम वुड पल्प एंड अदर मटेरियल्स। टूडे वी हैव पेपर्स मेड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ मटेरियल। करोड़ ऑफ ट्रीज आर कट एवरी ईयर टू मैनुफैक्चर पेपर। वी कैन सेव कटिंग ऑफ ट्रीज बाई नॉट वेस्टिंग पेपर। पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन चाइना बाई साई लून। ही मेड पेपर बाई पाउंडिंग द बार्क ऑफ मलबरी ट्री। अच्छा, कौन सी ऐसी बुक है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रिंटेड कॉपी पूरी दुनिया में है? तो वह बाइबल है, है ना। क्रिश्चियंस की जो होली बुक है बाइबल, उसकी सबसे ज़्यादा प्रिंटेड कॉपी होल वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पुराने समय में क्या होता था, क्ले टैबलेट्स जो होते थे, मिट्टी के बने हुए क्ले टैबलेट्स होते थे, उस पर लोग लिखते थे, है ना। फिर धीरे धीरे किस पे लिखने लगे, बर्च ट्री जो था उसके बार्क पे, हाँ उसके जो ट्रंक के छिलके के ऊपर वो लोग लिखना शुरू किए, और पाम लीव्स पे लिखने लगे। इजिप्शियंस ने पेपर बनाया एक पौधे से, उस पौधे का नाम क्या था, पैपिरस प्लांट था, उससे पेपर बनाया। वो किया था, इजिप्ट में रिवर नाइल फ्लो करती है, हम लोग सब जानते हैं ना, तो रिवर नाइल का जो डेल्टा एरिया था, डेल्टा एरिया आप जानते हैं ना, जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो वो बहुत फैल जाती है, है ना, वो फैल जाती है ट्रायंगुलर शेप में, तो उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो वो डेल्टा एरिया में ही वो रीड ग्रो होता था, मतलब एक तरह का जंगली पौधा था जो उस डेल्टा एरिया में ग्रो होता है पैपिरस, उसी से उन्होंने पेपर बनाना शुरू किया। पेपर का डिमांड दिन पे दिन और इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉलेज बढ़ते जा रहा है, लोग चाहते हैं नॉलेज मिले, तो बुक्स डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए तो पेपर का डिमांड दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। साइंटिस्ट लोग ने क्या टेक्निक डेवलप किया है कि वुड पल्प, लकड़ी का जो पेस्ट होगा, लकड़ी का लकड़ी पेड़ के ट्रंक के अंदर का जो पेस्ट होगा, उससे और दूसरे दूसरे मटेरियल से पेपर बनाने की टेक्निक साइंटिस्ट ने डेवलप की है। आप अपने बुक में देख सकते हैं कि पैपिरस से कैसे वो पेपर बना रहे हैं। पैपिरस प्लांट को उन्होंने दिखाया है काटने से पहले, काटने के बाद पैपिरस प्लांट के स्टेम को पतले पतले शीट्स में, है ना, पतले पतले लेयर्स में उन्होंने काट दिया है एक नोकीला टूल लेके, फिर एक के ऊपर वो शीट्स को रख दिए हैं, हाँ राइट एंगल पे उन्होंने रख दिया है, एक के ऊपर एक शीट्स को उन्होंने रख दिया है राइट एंगल पे, मतलब एक अगर हॉरिजॉन्टली रखा तो एक वर्टिकली रखा, फिर हॉरिजॉन्टली रखा, फिर वर्टिकली रखा, फिर उन सब के ऊपर एक कपड़ा उन्होंने लगा दिया है और उसको एक हथौड़ों से वो हैमर कर रहे हैं ताकि वो जो पेड़ के स्टेम के जो शीट्स थे वो टूट टूट जाए। फिर जो है वो जब पूरी तरह टूट जाएंगे, हाँ पूरे पाउडर हो जाएंगे, फिर उसको ड्राई करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, पूरा वो ड्राई हो जाएगा, वो गीला रहेगा, फिर ड्राई हो जाएगा, फिर एक पत्थर से उसको पूरा रब कर देंगे तो पेपर बन जाएगा वो, है ना, उसे ड्राई कर देंगे, तो उनका कुछ टेक्निक है उससे वो बनाते हैं। आज हम लोग का पेपर अलग अलग मटेरियल से भी पेपर बन रहा है, बैम्बू से भी बन रहा है, हर साल करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, कॉपीज़ के आपके पेपर बनाने के लिए, बुक्स के पेपर बनाने के लिए। इसलिए अगर हम लोग पेपर को वेस्ट नहीं कर रहे, जितना हो सके मैक्सिमम यूज़ कर ले, तो बहुत सारे पेड़ बच सकते हैं,
ठीक है। पेपर पहली बार किसने कहाँ बना था, चाइना में बना था। किसने बनाया था, साई लून, TSAILUN, साई लून ने बनाया था। कैसे उन्होंने बनाया था, मलबरी पेड़ जो होता है, मलबरी पेड़ जानते हैं ना, जहाँ पे सिल्क वर्म्स रहते हैं, सिल्क के कीड़े रहते हैं, तो उस मलबरी पेड़ के जो ट्रंक होता है, तने की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको उन्होंने कूट कूट दिया, ठीक है, और कूट कूट के उसको एक रेक्टेंगुलर शेप के भीतर रख दिया और उसे फिर ड्राई कर दिया, तो उसमें से पेपर शीट निकल आया। इस तरह उन्होंने पहली बार बनाया था। ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्ट विच इज़ यूज बाई द ब्लाइंड पीपल टू रीड। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग विच हैज़ रेज डॉट्स ऑन द पेपर। दिस स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाई लुइस ब्रेली इन 1825। दिस स्क्रिप्ट हैज़ अनेबल्ड ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड स्टडी। अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द वर्ड्स बाय पुटिंग हिज फिंगर टिप्स ओवर द रेज डॉट्स। द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्ट हैज़ हेल्प ब्लाइंड स्टूडेंट्स टू कम्प्लीट विद नॉर्मल स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद नॉर्मल स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ब्रेली स्क्रिप्ट, हाँ आप सब ने सुना होगा ना, ब्रेली स्क्रिप्ट किन लोगों के लिए है, ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए, जो देख नहीं सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, वो ऊँचे ऊँचे पेपर पे उभरे उभरे से रहते हैं, तो उनको आप टच करके, फील करके आप समझ पाते हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। वो पेपर पे उभर उभर के ऊपर ऊपर रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया था, इसे लुइस ब्रेली ने डेवलप किया था 1825 में। छोटे छोटे डॉट्स बने रहते हैं जो पेपर में उठे उठे रहते हैं, और आप उसको टच करके आप पहचान पाएंगे। ये स्क्रिप्ट ने बहुत आसान कर दिया अंधे लोगों को, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, नहीं तो उनके वो इलिटरेट ही रह जाते और पढ़ सके, ये स्क्रिप्ट बहुत उनकी मदद करती है, ठीक है। वो अपने फिंगर टिप्स वो रेज डॉट में टच करेंगे, वो जानेंगे हाँ यहाँ ए लिखा है, यहाँ सी लिखा है, टच कर करके वो जान जाएंगे। इस तरह ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी आजकल क्या करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ वो बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स देते हैं, और उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। अगर वो अच्छे मार्क्स रखते हैं तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी अच्छे मार्क्स रख पाते हैं। लिटरेसी एंड प्रोग्रेस, although man has made remarkable progress in every field of life, there are crores of people in India who are still illiterate. Many of them have never been to school. Illiteracy and poverty are closely related to each other. Illiteracy leads to superstitions and backwardness. To remove illiteracy, we must promote education. ठीक है, मनुष्य ने बहुत प्रोग्रेस किया है लाइफ के हर फेज में, है ना, हर तरफ मनुष्य बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, फिर भी इंडिया में बहुत सारे करोड़ ऑफ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है, और इसीलिए वह प्रगति नहीं कर पा रहे, वह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए हैं, और इलिटरेसी और पॉवर्टी, है ना, अनपढ़ होना और गरीबी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को राइज़ नहीं कर पाएंगे, अगर आप पढ़े लिखे तो आप छोटे मोटे जॉब्स करके, इनकम करके अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को राइज़ कर पाएंगे। तो अनपढ़ होना और गरीबी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी तरह आप अनपढ़ रहेंगे तो आप कई गलत चीज़ों को मान लेंगे, क्योंकि उसके बारे में कुछ प्रमाण आप बुक में नहीं पढ़ पाएंगे, तो सुपर आप अंधविश्वास के शिकार हो जाएंगे और आप बैकवर्ड ही रह जाएंगे, पिछड़ेपन ही रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसीलिए इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए हम लोग को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, है ना, हम लोग को सबको कोशिश करना चाहिए, हमारे आसपास जिनको भी देखे जो स्कूल नहीं जाते, सबको बोलेगी तुम स्कूल जाओ, उनको मदद करना चाहिए उनको एजुकेशन लेने में, ठीक है। तो ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया, ये 10th चैप्टर था, और बहुत ही इजी चैप्टर था, वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था। आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इस चैप्टर को शेयर करिए, और फ्रेंड्स को भी बोलिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे। अब तो ऑलमोस्ट आपका SST बुक अब कंप्लीट ही होने को आया, 10th चैप्टर हो चुका है, और आपके बुक में आई थिंक यस 20 चैप्टर्स ही है, तो ये बुक जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएगा। 20 भी नहीं है, 19 चैप्टर्स ही है, तो 10 चैप्टर्स कम्प्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।